गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग के रिक्वेस्ट थे कि रिक्वेस्ट मेरा भी एक वो था कि फिर से पढ़ाया जाए, क्योंकि आप सभी लोग इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ नहीं रहे थे, तो ऐसा लगा कि फिर से करना चाहिए हम लोग को स्टार्ट। अगर स्टार्ट करने से आप लोग फिर से मेरे साथ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कोशिश करता हूँ और आप लोग भी कोशिश करिए कि सारे लोग मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊँ, मैं होमवर्क देता जाऊँ, वो सब मेरे साथ करते जाइए। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं इसके पहले देखा था, प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पढ़ाता गया, क्लास रिकॉर्ड करता गया, आपको बोलता गया और आप वीडियो नहीं देखे। अब उसके बाद हुआ क्या, जब मैं 7 वीडियो एक चैप्टर का डाल दिया, तो 8वें वीडियो में आप पहले चैप्टर से वीडियो से आप करना शुरू कर रहे हैं वहां से, तो प्रॉब्लम मेरे लिए भी हो रही है और आपको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप सीधे 7th नंबर वीडियो देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से यही कि जब वीडियो आप लोग ने किया है, आप सभी लोग तैयार हुए हैं, हम लोग भी तैयार हुए हैं, जो लोग भी तैयार हैं वो लोग शुरू से जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जैसे भी होता जा रहा है आप उसको क्लास को करते जाइए। कितने देर की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो होती है, मुश्किल से देखेंगे और आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे, उसको करेंगे। अगर नहीं होता है होमवर्क तो मैं उसके सोल्यूशन आपको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, तो मेरे साथ करते रहेंगे तो आपका होता जाएगा और मुझे बताने में भी आसानी होगी। तो इसलिए आप सभी लोग क्या करिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए। हम शुरू करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां से आप इंट्रोडक्शन वीडियो वहां से हम आपको सेंड कर देंगे, आप वहां से देख लेंगे कि पार्टनरशिप का क्या होता है, डेफिनेशन क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या है, ये सारी बातें वहां बताई गई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जो हमारे बुक के हिसाब से है, वो बुक के डीके गोयल सर की बुक को हम लोग लेके फॉलो करेंगे और आगे उसकी इनकी बुक को लेके चलेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे साथ में देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक था हम लोग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग को करना है, हम लोग उसके बारे में बात करें, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। आप लोग, फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो है पार्टनरशिप का, आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल समझना है, यहाँ से आपको समझ में आएगा भी। अगर नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो फिर यहाँ से करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हमने बताया कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप में कुछ पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। अब क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट पेपर होता है। कैसा एग्रीमेंट पेपर, सभी पार्टनर्स जब मिल करके बिजनेस शुरू करने की बात करते थे, सभी पार्टनर मिलकर जब बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ समझौता होगा, क्योंकि तीन लोग होंगे, तीन लोगों का मत क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसके लिए हमको एक एग्रीमेंट बनाना होता है कि कितना प्रॉफिट बटेगा, कितना लॉस बटेगा, कौन कैपिटल लगाएगा, कौन बिजनेस चलाएगा, ये सारी बातें टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखी होती है उसी को पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है। यानी इसका मतलब हम एक चीज यहाँ समझ गए कि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होता है कि कितना ब्याज देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी बातें। अब बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आता है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, जो पैसा लगाता है ना, पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो कैपिटल हम लोग लगाए हैं बिजनेस में, उस पर हमको ब्याज चाहिए, उस पर क्या चाहिए, हमको ब्याज चाहिए। अगर उस पर हमको ब्याज चाहिए होगा ना, तो ब्याज चाहिए होगा, उसी ब्याज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में कि हमको उस पर ब्याज चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। यानी पहला बात, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, जो पैसा पार्टनर लगाएगा उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द पार्टनरशिप, जो मैंने अभी बात बताई कि अगर कैपिटल पर ब्याज चाहिए होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। अब बात, सवाल ये आता है कि सर मेंशन करना पड़ेगा, मान लीजिए मेंशन नहीं किया तो, यानी उसके लिए मैंने बताया अगर मेंशन नहीं किया तो एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है
तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, वेजेज कुछ नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, बस दो बातें छोड़ के सारा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नथिंग शैल बी अलाउड, ओनली दो चीजों को छोड़ के, एक्सेप्ट क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब जो लोन पर जो इंटरेस्ट होगा ना वो हमारा 6% का होगा, अगर कोई पार्टनर्स लोन दिया है फर्म को तो उस पर 6% का ब्याज चार्ज होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इक्वल इक्वल होगा। अब थोड़ा लोन के बारे में सुनिएगा, लेकिन लोन कौन सा लोन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्म जो है किसी आउटसाइडर से लोन लिया वो लोन नहीं, जो लोन पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे, आउटसाइडर ने लोन दिया है वो बातें नहीं कर रहा मैं, वो लोन जो पार्टनर्स दिया है फर्म को, मैं उस लोन की बात कर रहा हूँ, ये 6% चार्ज होगा, यानी अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन दे रखा है उस लोन पर 6% का ब्याज चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू द नॉमिनल, क्यों नॉमिनल अकाउंट होता है भाई, जरा बताएगा, पार्टनर्स पैसा लगाया है उसके ऊपर उसको ब्याज देना है तो फर्म के लिए क्या होगा, खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, अगर फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो मैं जानता हूँ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये जो हमारा अकाउंट होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हमारे लिए क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है और हम जानते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस होता है इसलिए नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर इसकी एंट्री करनी हो, जरा बताएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो लॉसेस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर बात करें हम लोग एक एग्जाम्पल से कि कैसे कैपिटल पर ब्याज चार्ज करते हैं, तो हमने कहा ए बी सी एक पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, दे कंट्रीब्यूट क्या लगाते हैं कैपिटल कितना, 5,00,000, 8,00,000 and 6,00,000, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल पर 10% का ब्याज लगेगा, तो बताएगा 10% का ब्याज, 5,00,000 का 10%, 8,00,000 का 10%, 6,00,000 का 10%, कितना, 50, 80 और 60, इस तरह से चार्ज होगा। लेकिन बात यह आती है जो हमारे बुक में जैसा क्वेश्चन है इतना आसान तो देगा नहीं, हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है उसके लिए भी मैं बात करूंगा, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना यहाँ पे सीखूंगा, देखेंगे क्या है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ABC are partner, profit sharing ratio 3:2:1, they contribute capital 6,00,000, 8,00,000 and 4,00,000, 6,00,000, 8,00,000 and 4,00,000, A contribute additional capital ₹5,50,000 at 1st July 2011, ठीक है, and B invested 1,00,000 at 1st December 2011, calculate interest on capital at the rate of 10%। हमको क्या करना है, ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और क्वेश्चन में कहा है कि जो कैपिटल लगाया है वो 6,00,000 लगाया है और 8,00,000 लगाया और 4,00,000 लगाया है, जिसमें क्या होगा, ये कब कंट्रीब्यूशन किया होगा, एट 1st अप्रैल 2011 को, 1st अप्रैल 2011 को
6 लाख 8 लाख और 4 लाख रुपए लगा के एबीसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि ए जो है 1 जुलाई 2011 को ए एडिशनल कैपिटल लगाता है। जब ए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जरा बताएगा उस एडिशनल कैपिटल पे ब्याज चार्ज करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो ठीक है। उसके बाद बात है कि बी भी इन्वेस्ट करता है, कब? 1 दिसंबर 2011 को, और पैसा लगाता है कितना? 1 लाख रुपए का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, जो कि 10% के रेट से दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन हम यहाँ देखेंगे एक लाइन खींचेंगे, लाइन से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान होगा। लाइन बनाएंगे उसी क्वेश्चन रखेंगे। ये हमारा डेट है 1 अप्रैल 2011, और इसी डेट पर ए बी सी का जो कैपिटल है वो 6 लाख है, इसका 8 लाख है और इसका 4 लाख रुपए है। 6 लाख 8 लाख और 4 लाख रुपए है इसका कैपिटल। अब बात ये करा उसने कि यहां पर कहीं 1 जुलाई 2011 को ए ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया है, कितना? 50,000 लगाया है। तो यानी ए का कैपिटल अगर 6 लाख था, 50,000 लगा दिया, तो इसका कैपिटल 6,50,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का कैपिटल, बी ने कुछ नहीं किया है, तो इसका कैपिटल 8 लाख ही रहेगा, और सी का कैपिटल 4 लाख रुपए ही रहेगा। अब बात ये आती है कि फिर 1 दिसंबर 2011 को ए का कैपिटल 6,50,000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बी इन्वेस्ट कर रहा है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? बी इन्वेस्ट कर रहा है। तो बी का कैपिटल पहले 8 लाख था, अब 1 लाख और लगा देगा तो उसका कैपिटल हो जाएगा 9 लाख रुपए का, और सी का कोई चेंजेस नहीं हुआ तो 4 लाख रहेगा। यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2012, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक का अगर कैलकुलेट कर लें तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं 1/4/11 to 30 June, मतलब यहां तक की बात कर रहा हूं। जरा देखेंगे कितने महीने हो जाएंगे, अप्रैल मई और जून, ये हो गया पूरा पूरा कितना महीने? 3 महीने। मतलब ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ए का कैपिटल कितना? 6 लाख, उस पर कितना? 10%, कितने दिन का? 3 मंथ का। फिर इसका कैपिटल कितना? 8 लाख, कितना परसेंट? 10%, कितने दिन के लिए? 3 मंथ के लिए, ठीक है। फिर इसका कैपिटल 4 लाख, 10/100 × 3/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। 60,000 × 15,000, यह आ जाएगा 20,000, यह आ जाएगा 10,000। कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेकर के यहां तक का कैपिटल कैलकुलेट हो गया। यहां से यहां तक कितना कैपिटल था? 6 लाख 8 लाख और 4 लाख, तो उस पे लग गया। अब बात करेंगे हम लोग कहां से कहां तक, हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई से 30 नवंबर तक, मतलब 1 दिसंबर तक। जरा बताएगा आप, कैपिटल कितना हो गया? ए का कैपिटल 650 हो गया, ए का कैपिटल कितना हो गया? 6,50,000 हो गया, और बी का कैपिटल 8 लाख रुपए है ही, और सी का कैपिटल 4 लाख रुपए है। तो क्या करेंगे? 650 पर 10%, इस पर भी 10%, और इस पर भी 10%। बात करेंगे यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कितने महीने हो गए? 5 मंथ हो गया। तो यानी इन सब पे कितने महीने का ब्याज? 5 मंथ का ब्याज। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6,50,000 × 10% × 5/12, फिर आ जाएगा आपका 8 लाख × 10%
इंटू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व आ जाएगा आपका 33,333। फिर इसका आ जाएगा आपका 4 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा आपका 16,667। ये आ गया मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इंटरेस्ट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक अब करना है। अब हम लोग को करना है 1 दिसंबर से लेकर के 31st of March 12 तक का। कितने महीने हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने, 4 मंथ होगा। बताएगा ए का कैपिटल कितना, 650 ही है, तो ए का कैपिटल 650 ही रहेगा। और बी का कैपिटल कितना है, 9 लाख हो गया है, क्योंकि 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लगाया था। और सी का कैपिटल 4 लाख ही रहेगा। तो कितना परसेंट, 10/100, 10/100 इंटू 10/100 कितने महीने आएंगे, 4 बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 650,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 यह आ जाएगा आपका 21,667। इधर जाएगा 9 लाख इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 यह आ जाएगा आपका 30,000। याद आएगा आपका 13,333। तो ये हमारा बन गया क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहीं तक का कैलकुलेट करना है, ये हो गया। अब हम लोग को कोई पूछे कितना आएगा, तो ए का जोड़ दीजिए, बी का जोड़ दीजिए, सी का जोड़ दीजिए। ए का पूरा जोड़िए, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 27,083 और प्लस यहाँ पे ए का 21,667। तो ये ए का लिख देंगे और बी का आ जाएगा 20,000 प्लस 33,333 प्लस और 30,000 ये ऐड कर देंगे। इसका आ जाएगा सी का देखेंगे 10,000 प्लस 16,667 प्लस 13,333 इसको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ जाएगा मेरा क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह का जो क्वेश्चन है, हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं ऐसे। लेकिन ये ध्यान रहे आपको, हमेशा ये फॉलो करिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक में दिया है या कुछ वीडियोस देख लेते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि चलो इसका सीधे 12 महीने निकाल दो सी का, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं। मैं मानता हूँ कोई चेंज, आपका मेथड एकदम सही है, लेकिन रट्टू तोता नहीं बनना है ना हमको। क्वेश्चन करना समझ समझ के करना है, और ये मान के चलना हमको कुछ नहीं आता, स्मार्ट नहीं बनने की कोशिश करना है। आप लोग जो वीडियोज देखते हैं, आप लोग जो क्लास करते हैं, वो पूरे स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, उन बच्चों के लिए होता है जो सब कुछ सीख चुके होते हैं। आपको वो स्मार्टनेस नहीं लानी है, अभी जब सीख जाइएगा तब वो काम करिएगा। अभी सिर्फ आपको मेरे साथ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो आपको सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जब आप सीख जाएंगे ना एक मेथड, तो आप तो हजारों हजार अपना खुद का मेथड बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको सीखना है। आप लोग की कमी क्या है, आप सीखते कम हैं, आप दौड़ना शुरू कर देते हैं तुरंत ही। तो आप तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे, चलना नहीं सीखेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए रट्टा नहीं मारना है, हर चीज को सीख सीख के चलना है। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा, अच्छा यहाँ तो इतना कैपिटल यहाँ तक था तो लगा, हमारे दिमाग के अंदर ये सेटिंग हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो हमारे अंदर फीलिंग आएगा कि अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक का शुरू करूंगा, करवाऊंगा। तो यहाँ तक आप वीडियो देख करके ये कंफर्म हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको DK गोयल सर की बुक से क्वेश्चंस करवाऊंगा।